नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कोई म्यूजिक ट्यूटोरियल नहीं, कोई टेक्निकल ट्यूटोरियल नहीं, आज हम यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जो लोग नए नए यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं या फिर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है माइक्रोफोन रिलेटेड। यूट्यूब का जो साउंड क्वालिटी होता है, उस साउंड क्वालिटी, जो वॉइस का क्वालिटी होता है, उस वॉइस के क्वालिटी के ऊपर यह है। तो मेरे पास एक कैमरा है दोस्तों, मैं अगर चाहता था तो इस कैमरे से भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन ये वीडियो को मैं कैमरे से नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोफोन का रिलेटेड कुछ ये वीडियो है। तो जो लोग बिगिनर्स हो एकदम, जो लोग प्रोफेशनली बहुत दिनों से यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, वो तो उन लोगों को तो पता ही है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो लोग एकदम बिगिनर है, उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल है, मेरा ये वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है साउंड सिस्टम या फिर वॉइस क्वालिटी को लेकर। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखते रहिए, और अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द आप लोगों के पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं, या चाहे वो ट्यूटोरियल हो जाए, चाहे वो व्लॉग हो जाए, या फिर आपका डेली लाइफ हो जाए, या फिर आप कुछ पेंटिंग वगैरह सिखा रहे हैं, या फिर कुछ भी आप यूट्यूब में अपलोड करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो के लिए आपका जो वॉइस क्वालिटी है, आपका जो साउंड क्वालिटी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, तो अगर आपका जो आवाज़ का क्लैरिटी है, वो अगर ठीक तरह से आपका व्यूअर्स के पास नहीं पहुंचेगा, तो वो आपको ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा वो। तो आपका वीडियो शुरुआत में तो इंटरेस्ट से देखना शुरू कर देगा, लेकिन दो चार मिनट के बाद ही वो स्किप करके दूसरा, उस रिलेटेड दूसरा वीडियो सर्च करने लगेगा। तो व्यूअर्स को अगर अट्रैक्ट करना है अपने वीडियो की तरफ, तो अपना जो वीडियो का वॉइस क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी को बेहतरीन बनाना होगा। तो आज हम ऐसा चार मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही सस्ता है, अफोर्डेबल है। उस माइक्रोफोन से अगर आप यूट्यूब का वीडियो, वो मोबाइल से ही हो या फिर कैमरा में हो, कुछ भी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज बहुत ही बजट फ्रेंडली ऐसा चार जो माइक्रोफोन है, उस माइक्रोफोन का बारे में डिस्कस करूँगा, और मैं रिव्यू भी आपको दे दूँगा। दो माइक्रोफोन का टेस्ट हो सके तो मेरा तीन नंबर पर जो माइक्रोफोन है, कंप्यूटर के साथ मेरा कनेक्टेड है, उसको भी मैं टेस्ट करके दूंगा। लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहला वाला जो माइक्रोफोन है, जब जो सबसे सस्ता है उसको लेके। अगर आपके पास एक मोबाइल का स्मार्टफोन है और आप अपना स्मार्टफोन से वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, तो इसके लिए कौन सा वाला माइक्रोफोन आपके लिए अच्छा होगा? मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला माइक्रोफोन आप देख रहे हैं, ये है मोनो का AU400। दोस्तों, मोबाइल के लिए इससे सस्ता और इससे अच्छा, मतलब इस बजट में इससे अच्छा माइक्रोफोन आपको नहीं मिलेगा। इस बजट में ये करीब करीब 400 रुपये के आसपास में आता है अमेज़ॉन पे। अगर आप किसी दुकान से अगर बाई करते हैं तो उससे भी कम दाम में आपको मिल जाएगा। इस बजट में इससे बढ़िया प्रोडक्ट, माइक्रोफोन का प्रोडक्ट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, इतना सस्ता, और इसके साथ अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में जितना सारा वॉइस आपने सुना है, वो सब इसी माइक से रिकॉर्डेड है। और ये मोनो का AU400 है। नीचे अमेज़ॉन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका दाम फ्लक्चुएट होता रहता है दोस्तों, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल इसका रेट कितना चल रहा है। तो बिगिनर्स, जो लोग एकदम फर्स्ट स्टेज में हैं, जो लोग एकदम चाहते हैं कि अभी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देना चाहिए, उन लोग इस माइक से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस माइक के साथ एक दो प्रॉब्लम है, वो है हर स्मार्टफोन के साथ ये शायद भी सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब डिफ़ॉल्ट कैमरा जो होता है, जो इनबिल्ट कैमरा होता है, उसके साथ शायद ये काम ना करे। लेकिन अगर आप ओपन कैमरा ऐप को इंस्टॉल कर ले, मेरा जो स्मार्टफोन है वो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है, इसके साथ भी ये काम नहीं करता डिफ़ॉल्ट कैमरे के साथ। इसलिए मैं अभी जो ओपन कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस माइक के द्वारा। तो ये माइक
एकदम बजट फ्रेंडली है, आप लोग इसको स्टार्टिंग में शुरुआत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो माइक्रोफोन है उस माइक्रोफोन में। चेक 1 2 3 4। अभी अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो बोया का BYM1 माइक्रोफोन से है। ये भी बहुत ही हजार रुपए के नीचे वाला जो बजट का सेगमेंट है उस सेगमेंट में ये माइक्रोफोन आता है। ये भी कॉन्डेंसर माइक्रोफोन है। इसमें और माउनो में दो अंतर है, बेसिक सा डिफरेंस है, वो बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये है माउनो का जिसे मैं पहले बात कर रहा था, इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर सप्लाई, एक्स्ट्रा बैटरी इसमें नहीं लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी का जगह नहीं है। लेकिन ये जो BYM1 है ये बोया का है, आप देख सकते हैं बोया। ये इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बैटरी लगाने का जगह है, जिसके मदद लेके आप अगर कंप्यूटर में या फिर कैमरे के साथ इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये बैटरी को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। इस बटन से आप कैमरा और स्मार्टफोन दोनों में ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑफ करके रखा हूँ ताकि, क्योंकि मैं स्मार्टफोन से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका क्वालिटी मुझे जो लगता है माउनो का AU400 से बेहतर है। इसमें बैकग्राउंड नॉइज एकदम भी नहीं पकड़ता दोस्तों, उसमें थोड़ा सा एक गेन का साउंड आता है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो मेरे इस वीडियो को, तो जब तक मैं उस वाले माइक्रोफोन में बात कर रहा था तो एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का गेन का नॉइज़ उसमें आपको सुनाई देगा, लेकिन इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर डिजिटल साउंड है। लेकिन इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो है उससे, मतलब अगर आपको लाउडनेस चाहिए तो वो पता नहीं है, हर कैमरा में डिपेंड करता है कि दूसरे कैमरे के साथ या दूसरे स्मार्टफोन के साथ ठीक तरह से काम करे। लेकिन मेरे वाला ये फ़ोन में मोनो का जो माइक्रोफोन है वो ज़्यादा लाउड में रिकॉर्ड करता है, और जो बोया का माइक्रोफोन है ये थोड़ा लाउडनेस इसका कम है, लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छा है बोया का। ये मैंने ख़रीदा था कलकत्ता से दुकान से, इसका करीब करीब कीमत आया था 400 रुपया, मतलब उसका इसका कीमत सेम, लेकिन अमेजोन में इसको 700 से 800 रुपये इसका कीमत दिखाता है दोस्तों। तो आप लोग चाहे तो ऑफलाइन परचेज भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। मैंने जब शुरुआती मेरा YouTube चैनल अगर आप देखेंगे तो पुराने वाला जो वीडियो में मैं जितना सारा ट्यूटोरियल देता था वो यही इसी माइक्रोफोन से देता था। कैमरे में भी ये इसको लगाता था, कंप्यूटर में भी मैं जो कंप्यूटर में ट्यूटोरियल देता था वो भी इसी माइक्रोफोन से था, और स्मार्टफोन से जो वीडियो बनाता था वो भी इसी माइक्रोफोन से। तो दोस्तों ये एकदम बजट फ्रेंडली है और शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो और एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, इसका जो 20 फुट का मतलब 20 फुट का इसका जो केबल आता है वो 20 फुट का आता है, मतलब अगर आप आउटडोर में भी अगर किसी बैकग्राउंड को आप दिखाना चाहते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो कैमरे को बहुत ज़्यादा दूर में रख के अगर बैकग्राउंड नज़ारा पूरा दिखाना है तो ये उतना लेंथ इसको आपको मिल जाएगा कैमरे से डिस्टेंस में आने के लिए। ये काफ़ी लंबा केबल आपको प्रोवाइड करता है, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप व्लॉगर है तो फिर ये माइक्रोफोन से आपका काम चल जाएगा। मेरे पास और एक माइक्रोफोन है, उसका रिव्यू, उसका मैं एक सैम्पल वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा जब मैं ये एडिट करूंगा ये वीडियो, तो उसका सैम्पल वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो मेरा कंडेंसर माइक है और ऑडियो इंटरफेस के साथ मेरा सिस्टम के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसका ब्रीफ ट्यूटोरियल मतलब ऑडियो इंटरफेस में ये WR800 का माइक है और WR12 का मेरा ऑडियो इंटरफेस है जो मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादातर जो ट्यूटोरियल वीडियो होता है वो ट्यूटोरियल वीडियो इसी के हेल्प लेके मैं करता हूँ, और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसका 3-4 वीडियो का रिव्यू का वीडियो मैंने आप डिस्क्रिप्शन में देके रखा, उसका लिंक आप देख के आ सकते हैं, और उसमें व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अभी आप लोगों का प्यार मिल रहा है उस वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो आप सैंपल सुनने वाले हैं वो मेरा WR12 के इंटरफेस से WR800 जो माइक है उस माइक का सैंपल आप सुनने वाले हैं। तो चलिए सैंपल को एक बार आप सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई, और अभी आप जो सैंपल सुन रहे हैं वॉइस का सैंपल है, ये WR12 ऑडियो इंटरफेस के साथ WR18 जो कंडेंसर माइक है उसी माइक के द्वारा जो रिकॉर्ड हो रहा है उसी को आप सुन रहे हैं एज ए सैंपल। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है अगर आप छोटा सा होम स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो।
मैं ये ऑडासिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ऑडासिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी वॉइस को अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से। और इसका जो वेवलेंथ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, नॉइजलेस ये आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत ही ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। तो सुन लिया दोस्तों उसका सैंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का वो रिकॉर्डिंग देता है दोस्तों। और अगर आप कंप्यूटर से, मैं ज़्यादातर उसको कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ, मोबाइल से यूज़ नहीं करता, तो अगर आप कंप्यूटर से ट्यूटोरियल बनाते हैं या फिर कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उसके बाद अपना वीडियो में आप उसको डालना चाहते हैं, तो वो माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बजट फ्रेंडली और आपके लिए एकदम बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों ये गया तीन माइक जो एकदम ही बजट फ्रेंडली है, वो करीब करीब जो WR12 जो आता है ऑडियो इंटरफेस के साथ, एक कॉम्पैक्ट जिसमें माइक्रोफोन, पॉप फिल्टर, मेरे पीछे में आप पॉप फिल्टर देख सकते हैं, स्टैंड और माइक के साथ ये आता है, करीब करीब 4,500 इसका कीमत आता है। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है तो। मोबाइल से भी अभी निकल, मैं बहुत पहले लिया था जब निकला था ये मार्केट में नया नया, तो अभी मोबाइल के साथ कनेक्शन भी इसका आ गया है, एक छोटा सा डिवाइस दे रहा है जिसके साथ आप इस डिवाइस को मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 4 नंबर जो मेरा माइक्रोफोन है वो मेरा कलकत्ता वाला एड्रेस में पहुंच गया है, तो अभी मैं फ़िलहाल कलकत्ता से बाहर हूँ, मैंने अभी इसको परचेज़ किया हूँ। तो उसका रिव्यू तो मैं नहीं दे सकता, उसका साउंड क्वालिटी तो नहीं सुना सकता, लेकिन उसके बारे में उसको ज़रूर बता सकता हूँ। वो है मोनो का AU903 USB कंडेंसर माइक्रोफोन है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है दोस्तों, किसी भी ऑडियो इंटरफेस का ज़रूरत नहीं है उसको चलाने के लिए। और मैं जितना भी सारा रिव्यू इंटरनेट में उसके लिए सर्च किया हूँ, उसमें वो हर मामले में खड़ा उतरा है, बजट के मामले में भी वो एकदम 1 नंबर में है, और साउंड क्वालिटी भी उसका बहुत ही, मतलब क्लैरिटी के साथ और बहुत ही लाउड वो कैप्चर करता है। नॉइज़ भी उसका रिडक्शन, नॉइज़ रिडक्शन भी उसका बहुत अच्छा है, और ओमनी डिरेक्शनल माइक्रोफोन है, मतलब अगर आप सामने से, उसका जो सामने से वॉइस आएगा वो उसी को सिर्फ कैप्चर करेगा। उसमें और एक ऑप्शन भी है डुअल साइड, मतलब पीछे से भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग सा स्विच दिया गया है दोस्तों, नॉब दिया गया है, उस नॉब से आप ओमनी डिरेक्शन या बाई डिरेक्शन दोनों ही कैप्चर कर सकते हैं। और वो भी करीब करीब 4,000 के आसपास आता है, 4,000 से थोड़ा ज़्यादा दाम है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप किसी वॉइस रिलेटेड जिसमें आपका बातों का या फिर आपका वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो उसके लिए वो वाला मोनो का माइक बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें नॉइज़ कैंसलेशन होता है। और ये जो माइक्रोफोन है दोस्तों, ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, ये घर के या फिर आप जहाँ पर खड़े होंगे, जहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वहाँ का चारों तरफ का साउंड वो कैप्चर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, आप इसी चार माइक्रोफोन से किसी भी आपका ज़रूरत के हिसाब से आप माइक्रोफोन को ख़रीद सकते हैं और अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूट्यूब वीडियोज़ एंड योर यूट्यूब फ्यूचर्स। मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।